अस्सलाम वालेकुम, मैं हुसैना रेहान खुशामदीद कहती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल एवरग्रीन आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स पर। कैसे हैं आप सब लोग? आज की वीडियो जो है वो है 3-ply ऊन से रिलेटेड, 4-ply ऊन से रिलेटेड, जिसकी रिक्वेस्ट मुझसे की थी सबा गुल ने। ठीक है जी, तो उनकी जो रिक्वेस्ट थी वो कुछ यूं थी कि कुछ उन्होंने बेसिकली सवाल किए थे जो कि ऑब्वियसली मेरे हिसाब से जो बिगिनर्स हैं उनको पता होने चाहिए। तो उन्होंने बहुत ज़बरदस्त सवाल किए। उनका पहला सवाल है कि डिफरेंस बिटवीन 3-ply ऊन और 4-ply ऊन में क्या फ़र्क होता है। ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए, ये है 3-ply ऊन, ठीक है, और ये है मेरे पास 4-ply ऊन। ये देखिए, तो यहां पे है 4-ply ऊन और ये है 3-ply ऊन। 3-ply ऊन और 4-ply ऊन में फर्क क्या है कि दोनों आपस में थोड़ी सी इनकी थिकनेस कम ज्यादा होती है। 3-ply ऊन बारीक होता है, ठीक हो गया, और 4-ply ऊन जो है वो मोटा थिक होता है। इसी तरीके से फाइबर का ऊन भी आता है, सब कुछ मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरह के ऊन जो है वो मार्केट में अवेलेबल है। इससे भी थिक आते हैं, और जिस तरह वो एक आता है टी शर्ट वाला ऊन भी आप कह लें तो वो थिकनेस की तरफ चला जाता है। मैं अब हमेशा अपनी वीडियो में बात करती हूँ 4-ply 3-ply ऊन की, तो ये 3-ply है, 4-ply है। दूसरा उनका सवाल ये था 3-ply ऊन और 4-ply ऊन के लिए हुक्स कौन से यूज होंगे। देखिए, हुक्स तो दुनिया जहान के हैं, मतलब ये सारे हैं। इनमें हम इस सवाल का जवाब देते हैं अभी, लेकिन थोड़ा कुछ मैं आपको बता दूं कि देखिए, सबसे पहले तो हम इस हुक की बात करते हैं। ये बिल्कुल बारीक हुक्स हैं। इसमें बिल्कुल जो बारीक वाला हुक है वो तो आपको पता है, पुराने ज़माने में कुरेशिया जो किया जाता था धागे से, ये उसका है। इसके अलावा 0.90 mm का जो हुक है ये 3-ply ऊन को भी कवर करेगा, ठीक है, क्योंकि इस ऊन की थिकनेस जिस तरह की है ना, ये देखें, ये आराम से इसको कवर करेगा। सबसे बेहतरीन चीज़ है कि आप अगर आपके पास कोई बारीक ऊन है और कोई बारीक आपके पास कुरेशिया है, आप उसको फिट करके देखेंगी एक दो चेन्स बना के, तो ये आपको बता देगा कि इसमें सही फिट हो भी रहा है या नहीं, ठीक है। अब कुरेशिया के हुक्स की तरफ अगर हम आते हैं तो आप, मैंने यहाँ पे हर तरह के रखे हुए, एल्युमिनियम सिल्वोनियम का भी है मेरे पास, रबर ग्रिप्स भी हैं मेरे पास, प्लास्टिक भी है, ठीक हो गया। इस पर मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगी कि हमेशा आप ये जो ग्रिप्स हैं इसको बाय करें, या फिर आप ये जो सिल्वोनियम के हुक्स होते हैं पूरे मेटल के, ये वाले बाइक्स बाय करें। प्लास्टिक हुक्स को बाय मत कीजिएगा, यकीन करें। ये जब से मैंने लिए ना, ये मैंने यूज़ नहीं किए, मैंने बहुत कम यूज़ किए हैं, क्योंकि इससे क्या होता है कि जब हम ज़्यादा यूज़ करते हैं ना तो हमारा जो थंब या कोई, जैसे हमारी जो फिंगर या थंब है ना जिससे हम हुक पकड़ते हैं, उसमें कोई रिएक्शंस होना शुरू होते हैं, वो है इस हुक के प्लास्टिक की वजह से। तो मैं पर्सनली प्रेफर नहीं करती हूँ, मैं प्रेफर करती हूँ ग्रिप्स वाले हुक्स जिसमें इस तरह की रबर ग्रिप्स लगी हुई हों। इससे ये होता है कि आप ज़्यादा टाइम अगर काम करते हैं तो आपके अंगूठे में, हाथ में तकलीफ नहीं होती है, ठीक हो गया। अब आप देख रहे हैं हुक्स के अलग अलग साइजेस हैं यहाँ पर। तो जो 3-ply ऊन अगर हम बात करते हैं तो 3-ply पे कौन कौन सी हुक जाएगी? 3-ply पे जाएगी 2.0, 2.5, 3, 3.5, ठीक है। अगर आप 4 mm यूज करेंगे तो काम आपका ढीला ढाला बनेगा, लेकिन जो बेस्ट हुक्स होती हैं 3-ply ऊन के लिए वो मैं रिकमेंड करूंगी 2.0 mm और 2.50 mm, ठीक है। 3.5 और 3 जो है वो भी काइंड ऑफ काम करता है, गलत नहीं है, काम करता है, लेकिन अच्छा आपको अच्छी फिनिश वाला टाइट काम चाहिए तो 2 और 2.5 बनाएगा। फिर आता है 3 और 3.5 वाला हुक, तो वो भी इसके लिए सही है, लेकिन 4 से फर्दर जाएंगे तो काम खराब कर देगा, तो फिर आपके लिए 3-ply में बेकार है कि आप वो हुक्स यूज करें। अब हम आ जाते हैं 4-ply ऊन की तरफ। 4-ply ऊन के लिए हुक्स जो बेहतरीन है वो है 4.4 mm, 4.5 आता है, फिर 5 mm आता है, फिर 5.5 आता है। बस मेरे हिसाब से ये तीनों चारों बेस्ट हैं, क्योंकि 6 onwards फिर आप, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आप 6 mm क्रोशिया का हुक यूज़ करके
कोई बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उसके लिए आप लोगों को इसके दो ऊन के सिरे यूज करने चाहिए। जैसे मैंने एक गोला खोल लिया, अब सेम कलर का दूसरा गोला खोल के दो सिरे मिला के फिर 6 मिलीमीटर से काम करें तो वो काम आपका अच्छा बनेगा, लेकिन वरना वो ढीला ढाला बनेगा। ठीक है, अगर आप लूज काम करें तो बेहतरीन है कि आप 6 मिलीमीटर यूज करें। दूसरा, हमारे यहाँ बड़े वाले हुक्स नॉर्मली अवेलेबल नहीं है, तो ये भी सवाल आएगा मुझे कि हम क्या करें। उसके लिए मैं आपको बताती हूँ, जब मैंने ऊन का काम शुरू किया था कुरेशा, तकरीबन इस बात को 15 साल हो गए हैं, 15 साल पहले मैंने ऊन का क्रेज़ मुझे उठा था और मैंने ऊन का काम करना शुरू किया। तकरीबन 1-1.5 महीने तक मैं ढूंढती रही कि ऊन का कुरेशा जगह जगह जाके, और मुझे कहीं भी नहीं मिल रहा था, ट्रस्ट मी, मुझे कहीं भी नहीं मिल रहा था। फिर मैंने क्या किया, एक जगह पे मुझे इस तरह वाले हुक्स मिले, ये मैंने पेंट किए खुद, तो इस तरह वाले हुक्स मिले और ये मैंने खुद फिर इसको पेंट कर दिया था। तो इसका मैंने क्या किया, मुझे बड़ा तो मिल नहीं रहा और मुझे बड़े प्रोजेक्ट बनाने थे जिस तरह से बैग्स वगैरह एक साथ दो ऊन के सिरे इस्तेमाल करके, तो मैंने क्या किया था, दोनों मेरे जो हुक्स थे उनको मैंने एल्फी से आपस में जोड़ दिया था। ठीक है, एल्फी से आपस में जोड़ने के बाद फिर मैं इससे बैग्स वगैरह सब बनाया करती थी और सेल किया करती थी। तो अगर आपके पास इस तरह वाले बड़े हुक्स नहीं हैं और आपको भी कोई बड़ी चीज़ बनानी है, बैग्स हो गए, कुछ हो गया, तो सिंपल आप 2 4 मिलीमीटर कुरेशे के हुक्स को आपस में जोड़ दें, और जोड़ने के लिए बेहतरीन प्लास्टिक के हुक्स ही होते हैं, मेटल नहीं जुड़ेगा इतनी आसानी से। ठीक है, अब ये तो मैंने आपको सारे हुक्स के बारे में बताया। इसके बाद उन्होंने फिर सवाल किया मुझसे तीसरा कि ये भी बताइए कि 3-ply वुल से कौन कौन से आइटम बन सकते हैं और 4-ply से कौन कौन से बन सकते हैं। तो जो 3-ply वुल है उससे आप बना सकती हैं इयररिंग्स, ठीक है, जाली वाले, जाली जैसे इयररिंग्स हो गए और अंगूठियां हो गई, सेट गले के हार हो गए, इसके अलावा छोटे छोटे टॉयज हो गए, शूज हो गए बेबी के, वो भी बनते हैं 3-ply ऊन से। क्यों, और गर्मियों की जो वो जो सन हैट्स होती हैं वो 3-ply ऊन से बनती हैं, क्योंकि सन हैट थोड़ी ऐसी होती हैं कि फिर गर्मी ना लगे उनमें, ठीक है, वो बन जाती हैं। 4-ply की अगर हम बात करें, और 3-ply में स्वेटर भी बनते हैं बारीक वाले, जो मिड समर के स्वेटर्स होते हैं वो भी बनते हैं 3-ply में। 4-ply ऊन की अगर हम बात करते हैं, वो थिक ऊन होता है और 4-ply से जो है वो काफ़ी चीज़ें बनाई जाती हैं, स्वेटर हो गए, बेबी बूटीज हो गई, इसके अलावा फ्लावर्स हो गए। फ्लावर्स तो 3-ply से भी बना सकते हैं लेकिन वो छोटे छोटे बनेंगे, इससे थोड़े से थिक से बड़े से बनेंगे, वो डिपेंड करता है आपकी अपनी चॉइस के ऊपर कि आपको किस तरह के फ्लावर्स बनाने हैं। इसके बाद आपका ज्वेलरी मेकिंग में भी ये यूज़ होता है, बेयर फुट सैंडल हो गए पैर में पहनने के, फिर हाथों के ग्लव्स हो गए ऊन के, इसके बाद बीनीज हो गई, कैप्स हो गई, बच्चों के स्वेटर्स हो गए, बड़ों के स्वेटर्स हो गए, पॉन्चोज हो गए, वो आप बना सकते हैं। और जाली वाले पॉन्चोज जो होते हैं ना, जो नेट वाले पॉन्चोज, वो 3-ply ऊन से बना सकते हैं आप लोग, जो बड़ी बड़ी नेट वाले पॉन्चोज जो मिड समर में पहनते हैं स्टाइल के लिए, कंट्रास्ट करके ड्रेस पे, तो वो 3-ply ऊन से बनेगा ताकि उसमें गर्मी भी ज़्यादा ना लगे और वो बहुत, मतलब वो उसमें ना नेट अच्छी लगती है, क्योंकि बारीक है थ्रेड इसका, बारीक है ऊन, तो उसमें अगर आप नेट वाला कोई भी काम करती हैं, ज़्यादा चेन्स वाला और जाली टाइप का, तो वो बारीक ऊन में बहुत क्लासी लगता है 3-ply में, 4-ply में नहीं लगेगा। इसके अलावा और मैं आपको क्या बताऊँ, मैं आपको सब बता चुकी हूँ, उनके 3 सवाल थे, आई होप मैंने आपके सवाल के जवाब दे दिए हैं कि 3 और 4-ply ऊन का डिफरेंस बता दिया, थिकनेस का डिफरेंस होता है। इसके अलावा अलीजे का जो ऊन है उसका जो 4-ply है वो और थिक होता है, ठीक है ना, बुकरम पता नहीं क्या उसमें कुछ आता है, काफ़ी आते हैं। इसके अलावा उसका जो सिल्क इफेक्ट होता है, जैसे कि वो डीवा प्लस भी आता है, उसमें जो ये होता है कि आप 4 मिलीमीटर क्रोशे का हुक्स यूज़ कर सकते हैं। बाकी आपके हाथों के लिए जो बेहतरीन हुक्स हैं मेरे हिसाब से वो हैं सिल्वोनियम के, या फिर ये जो रबर ग्रिपर्स हैं, ये दोनों आपके हाथों के लिए बेस्ट हैं। इसमें थोड़े से हाथों में दर्द हो जाता है लेकिन आपके हाथों में कोई इन्फेक्शन नहीं होता, और ये तो ऑब्वियसली ग्रिपर्स हैं, इसमें नहीं पेन होता इतना। जबकि प्लास्टिक के हुक्स की अगर हम बात करें, वो सस्ते तो मिल जाते हैं लेकिन क्वालिटी वाइज फिर वो आपके हाथों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, तो अब वो आपके ऊपर है कि आपको अगर शौक है, कुछ लोगों को शौक भी होता है कलरफुल से प्लास्टिक के हुक्स यूज़ करने का, तो कर सकते हैं, क्योंकि सभी की स्किन सेंसिटिव नहीं होती है, मेरे क्योंकि इश्यूज होते हैं हाथ में तो इसलिए मैं प्लास्टिक के हुक्स यूज़ नहीं करती हूँ। बाकी अगर किसी के पास बड़े हुक्स नहीं है तो मैंने आपको उसका ऑल्टरनेट भी बता दिया कि आप 2 हुक्स को इस तरह से कंबाइन करके, कोई आपका बड़ा प्रोजेक्ट है उसको आप पूरा कर लें। इसके अलावा आप अपने हुक्स को पेंट कर सकती हैं थोड़ा सा क्लासी लुक देने के लिए,
तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है कि इसको मैंने पानी के अंदर नेल पॉलिश डाल के इस तरह से इसका मार्बल इफेक्ट दिया था, फिर इस पर क्लियर नेल पॉलिश लगा दी, तो ये इस तरह के अच्छे से ग्लिटर वाली भी नेल पॉलिश यूज़ की थी मैंने। तो ये देखिए इतने प्यारे प्यारे से हुक्स ये रेडी है। इसके अलावा मैंने एक और आपको बताऊँ, पॉलीमर क्ले आता है बेकिंग का, उसको भी आप मेटल के हुक्स पे लगाकर इस तरह से अपने हिसाब से इसमें डिजाइनिंग कर सकती हैं। अगर आपको इस तरह के हैंडल वाले और थोड़े शोशा वाले पसंद है तो पॉलीमर्स क्ले आता है, ओवन बेक होता है, वो ओवन में बेक किया जाता है, तो ये मेटल वाले हमेशा लीजिएगा। और फिर इस तरह की डिजाइनिंग करके इस पर स्टिक करके क्ले को आपने बेक करना है, और फिर मैंने इसके ऊपर नेल पॉलिश का एक कोट लगा दिया, क्लियर नेल पॉलिश, तो ये शाइनी से हो गए। तो आई होप कि मैंने आपके सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं सबागुल जी, और आप इस वीडियो से खुश होंगी। तो अगर आप खुश हैं तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर किसी और का इससे रिलेटेड ऊन से क्रोशे से कोई भी सवाल है वो कर सकता है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि बिगिनर्स के लिए, कि अगर वो शुरू शुरू में उनको हुक पकड़ने का मसला हो रहा है तो वो छोटे हुक से काम ना करें, वो डायरेक्ट 5 to 6 millimeter का क्रोशे का हुक यूज़ करें, ताकि उन्हें चेन बनानी समझ आए, उन्हें टाँके बनाने समझ आएँ, उसके बाद वो थोड़े छोटे हुक्स की तरफ जाएं, तो इनके लिए आसानी हो जाएगी कि उन्हें टाँके समझ आ जाएंगे। बाकी अगर किसी को कुछ पूछना है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा एवरीवन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।